यदि आपने स्क्रीनिंग का नया सेटअप लगाया है और आप परेशान हैं, आपका बटर पेपर सही नहीं निकल रहा है, आपका मैटर सही नहीं खुल रहा है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी और आप परेशान होंगे कि हमारा मैटर क्लियर कैसे खुले। या फिर अगर आप नया स्क्रीनिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप नया सेटअप लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है कि मैटर सही कैसे खुलता है और इसके लिए बटर पेपर सही कैसे निकलता है, बटर पेपर सही निकालने के लिए कौन सा प्रिंटर चाहिए होता है हमारे को, कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा होता है स्क्रीनिंग के लिए, तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रिंटर रहेगा जिससे कि आपका बटर पेपर अच्छा निकले और आपकी क्वालिटी अच्छी आए। जिन लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि किस प्रिंटर से बटर पेपर निकाला जाए या फिर किस प्रिंटर से बटर पेपर निकालने पर अच्छी क्वालिटी आती है, तो फिर उनको काफी प्रॉब्लम होती है और वो स्क्रीन प्रिंटिंग में अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर आप बटर पेपर से प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपका बटर पेपर अच्छी क्वालिटी में निकलना चाहिए। अगर आपका बटर पेपर अच्छी क्वालिटी में नहीं निकल रहा है तो फिर आपका मैटर क्लियर नहीं खुलेगा और फिर आपको काफी प्रॉब्लम होगी मैटर खोलने में, जिससे कि आपका जो क्वालिटी होगा वो बिल्कुल सही नहीं आएगा और इससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी और अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है तो फिर आपके कस्टमर आपसे दूर भागेंगे। स्क्रीन प्रिंटिंग में सबसे पहले आपको बटर पेपर अच्छा निकालना होगा और उसके बाद आपको चूज करना होगा प्रिंटर। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले आपको प्रिंटर चूज करना होगा कि कौन सा प्रिंटर लिया जाए और किस प्रिंटर से अच्छा बटर पेपर निकलेगा और फिर हमारी क्वालिटी उससे बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटेक प्रिंट आइडियाज में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इंक जेट प्रिंटर यूज करते हैं और उससे बटर पेपर भी निकाल लेते हैं और फिर उसी से वो मैटर खोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आप जब भी इंक जेट प्रिंटर से बटर पेपर निकालेंगे तो फिर वो बटर पेपर सही नहीं निकलेगा, यानी जो इंक जेट प्रिंटर का बटर पेपर निकलता है उसमें बीजिबल बहुत ज़्यादा होता है और अगर बीजिबल ज़्यादा है तो फिर आपका मैटर सही नहीं खुलेगा। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक प्रिंटर, जो कि प्रिंटर आप यूज करेंगे और उससे क्वालिटी अच्छी आएगी और बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगी, जो कि हमेशा यूज किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेजर प्रिंटर का लिंक दे दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके लेजर प्रिंटर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए अगर आप लेजर प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बटर निकलेगा और लेजर प्रिंटर से जो बटर निकलेगा उसकी इंक जो होती है उसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है और फिर उससे मैटर बहुत अच्छा खुलता है। तो आपको स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले लेजर प्रिंटर ही यूज करना है। लेजर प्रिंटर से क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी, इंप्रूव होगी क्वालिटी, और इससे अगर क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके कस्टमर आपके पास जरूर आएंगे। अगर आप किसी को एक बार अच्छा काम करके देंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कौन सी कंपनी का लेजर प्रिंटर यूज किया जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि किस कंपनी का लेजर प्रिंटर यूज किया जाए। आप कैनन का भी यूज कर सकते हैं लेजर प्रिंटर, और फिर आप HP का भी लेजर प्रिंटर यूज करते हैं, या फिर आप ब्रदर का भी लेजर प्रिंटर यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही प्रिंटर से आपके ऑफिस का सारा काम हो जाए, जैसे कि स्कैनिंग हो जाए और फिर फोटो स्टेट हो जाए और फिर बटर पेपर भी उसी से निकल जाए, अगर आप एक ही प्रिंटर से सारा काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मल्टी फंक्शन लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। और यदि आप सिर्फ प्रिंट निकालना चाहते हैं और बटर पेपर निकालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप सिंगल फंक्शन का प्रिंटर भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर यूज करना चाहिए, कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा रहता है, बटर पेपर निकालने के लिए कौन सा प्रिंटर अच्छा रहता है।